Second, today we will do present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense करेंगे आज अपन. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि present perfect continuous tense कब कब use होता है और वे कहाँ पर use होते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ उसके uses. A verb that is started and continued in present but end in future. एक ऐसा verb जो present में start तो हो गया है लेकिन अब अपन को पता नहीं है कि वो future में कब end होएगा. End मतलब खत्म होएगा. सबसे अब मैं आपको उसके structures बता देती हूँ. Structures सबसे पहले मैं आपको simple का बताऊंगी. Subject plus has F plus been plus V form. V form होता है first form के आगे ing form लगा देना. जैसे play play के आगे play एक verb भी तो है play. तो verb की first form है play. तो उसके अगर अपन आगे लगा देंगे ing form तो वो बन जाएगी fourth form playing. So playing is the fourth form of the verb. ऐसे ही see का seeing हो जाएगा. So ऐसे बहुत सारे verb होते हैं जिसके आगे ing लगाने से V form बन जाती है. Plus object plus since और for plus time. Since use होता है particular period of time के लिए और for use होता है period of time के लिए. जैसे since में पते 9 AM हो गया, 2 AM हो गया, 2 PM हो गया, 3 PM हो गया तो ये since में use होएगा. और for में जैसे 2 hours period of time. अब अपन को पता नहीं है वो 9 to 11 है, वो 1 to 3 है या फिर वो 4 to 6 है या फिर 3 to 5 है. अपन को पता नहीं है वो कौन से 2 hours है पर अपन ने एक period of time बता दिया, time का period बता दिया. So इसका sentence formation होएगा Rita has been eating food since 9 AM. रीता जो है वो 9 AM से फूड खा रही है. अब अपन को पता नहीं है उसका फूड कब फिनिश होएगा फ्यूचर में. इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस होएगा हैज हैव. और एक बात हमेशा याद रखना हैव हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है. और आपको मैं एक और बात बताऊं आई के साथ आई प्लूरल नहीं है लेकिन उसके साथ हैव यूज होता है और यू के साथ भी हैव यूज होता है. Has और has सिंगुलर के साथ यूज होता है इसलिए रीता सिंगुलर थी तो हमने has लगाया. Has have plus subject plus been plus V4 verb की fourth form plus object plus since for plus time plus question mark. Interrogative में question mark लगाते हैं और helping verb को पहले लगा देते हैं तो इसका sentence formation होएगा Has Rahul been writing letter for 2 hours question mark. ऐसे ही negative में not लगा देते हैं. Subject plus has F plus not plus been plus before verb की first fourth form plus object plus since plus for plus time. तो उसका sentence formation होगा Geeta has not been writing letter since 2 PM. ठीक है उसमें not लगाया है क्योंकि negative sentence है. ऐसे ही interrogative negative में हम has a पहले लगाते हैं तो interrogative negative में हम has a पहले लगाएंगे not लगाएंगे और question mark लगाएंगे. So का structure होएगा has F plus subject plus not plus been plus V4 plus object plus since for plus time. टाइम मतलब होता है 2 hours 2 PM ये टाइम होता है प्लस क्वेश्चन मार्क. सो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होएगा गीता सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है इंटरोगेटिव नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में. तो हम सबसे पहले लगाएंगे हैज गीता नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस 2 PM. क्या वो 2 PM से लेटर राइट नहीं कर रही है. सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर यू ऑल.